हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अच्छा, ये अपना सीरीज का तीसरा वीडियो। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, आईपीएल के सारे ग्राउंड कवर करेंगे। एक वीडियो में दो ग्राउंड कवर करेंगे, सारे एक साथ करने जाएंगे तो चीज़ें मिक्सअप हो जाती है ना। वो आपको ठीक से समझ आएंगी ना मैं आपको ठीक से समझा पाऊँगा। दो दो ग्राउंड अगर एक एक वीडियो में कवर की जाए तो चीज़ें आपको भी अच्छे तरीके से समझ आएंगी और मुझे भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको पता, मैं चीज़ें आपको इजी तरीके से बता के समझाता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके दिमाग में चली जाए। ठीक है, तो ये वीडियो में हम दो ग्राउंड कवर करेंगे। पहला ग्राउंड होगा चिन्नास्वामी बेंगलुरु, जो आरसीबी का होम ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड होगा चिदंबरम चेपुक बोलते हैं जिसको, जो चेन्नई का होम ग्राउंड है। समझ रहे हो। अब सीधे सीधे मुद्दे की बात करते, टाइम ख़राब नहीं करते। सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी वाले ग्राउंड की। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की। जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड का नाम आपके दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में साइज़ क्लिक हो जानी चाहिए। ये ग्राउंड का साइज़ है स्मॉल, छोटा ग्राउंड है। याद रखिएगा, बेंगलुरु वाला ग्राउंड, आरसीबी का होम ग्राउंड, उसकी साइज़ है छोटी, मतलब 60 मीटर की ही उसकी बाउंड्रीज है। और एक T20 मैचेस के लिए ये बाउंड्री थोड़ी छोटी हो जाती, थोड़ी नहीं काफ़ी छोटी हो जाती। वुमेन्स में देखने मिलती है आपको इतनी बाउंड्रियाँ। ठीक है, तो काफ़ी छोटा ग्राउंड है। अब बात करते हैं सीधे पिच की। देखिए, छोटी ग्राउंड छोटा है और ऊपर से पिच है फ्लैट, और फ्लैट पिच है और उसके ऊपर हल्की हल्की ग्रास या घास बोलो आपको देखने मिलेगी। हल्की हल्की घास का मतलब ये है कि कहीं कहीं आपको ग्रीन ग्रीन, कहीं कहीं आपको ब्राउन ब्राउन घास दिखेंगी। फ्लैट पिच नहीं है। और जब भी इस तरीके की पिचेस होती है ना, तो आपके पास अगर स्विंग बॉल करवाने वाले होते हैं ना फास्टर, जैसे लाइक भुवनेश्वर टाइप, वो पूरी बॉल को ही घुमा देते, तो उनके लिए काफ़ी मदद रहती है इस पिच पे। वैसे पिच फ्लैट ही है, ग्राउंड छोटा है, पिच फ्लैट है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पे ये ग्राउंड हमेशा सेकंड बैट को फेवर करता है, सेकंड बैट को, क्योंकि यहाँ रन बनाने ईजी है। अगर आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है, आपके पास बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा है, तो आप ईजी चेस कर लोगे ये ग्राउंड पर। ठीक है, तो दिमाग में ये बात रखा कि सेकेंड बैट को ये ग्राउंड ज़्यादा फेवर करता है, और जो भी टीम फर्स्ट बैट पे आती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहना कि मुझे हाई टारगेट देना ही पड़ेगा, रन ऑन बोर्ड अच्छे खासे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पिच अच्छा खेलेंगे लास्ट तक, ग्राउंड छोटा है। और सामने वाली टीम के पास अगर अच्छा बैटिंग लाइनअप है तो वो जानबूझ के सेकेंड बैट पे आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेंटली प्रेशर देना जरूरी है। ये क्रिकेट गेम है, दिमाग से भी बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, समझ रहे हो। तो ये ग्राउंड में कुछ खास स्पेशल है नहीं मेरे नज़रिए से देखा जाए तो, पर ग्राउंड है स्पेशल। ठीक है, तो जब भी बेंगलुरु में मैच हो, आपके दिमाग में एक चीज़ है, ग्राउंड बहुत छोटा है, पिच फ्लैट है, पिच फ्लैट है, हल्की हल्की घास के साथ, जो क्वालिटी वाले बॉलर हैं भुवनेश्वर टाइप के जो बॉल घुमा देते हैं उन्हीं को खास मदद मिलती है। बाकी अच्छे खासे रन देखने मिलते हैं यहाँ पे, अच्छे खासे रन देखने मिलते हैं यहाँ पे, सेकेंड बैट अच्छे खासे चेस कर लेती है। ठीक है, और बैटिंग लाइनअप जरूर देख लेना, अगर किसी टीम का स्ट्रॉन्ग सॉलिड बैटिंग लाइनअप है नीचे तक, तो वो इजीली चेस कर जाएंगे, टारगेट के ऊपर मच जाना फिर। और फर्स्ट बैट पे जो भी टीम आती है, खास के टॉस हार के किसी को फर्स्ट बैट पे भेज देते हैं, तो सिंपल ये है कि वो माइंड गेम खेल रहे हैं। फिर वो चाहते हैं कि फर्स्ट बैट वाली टीम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए ग्राउंड को देख के, कि उन्हें हाई टारगेट देना, और उनको ना चाहते हुए भी फिर मार के ही खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये ग्राउंड की यही कहानी है। अब बात करते हैं चेन्नई वाला ग्राउंड, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड ग्राउंड है आईपीएल का मेरी नज़र से। देखिए, चेपुक वाले ग्राउंड की बात करें साइज़ की, तो साइज़ एवरेज है, वही 70 मीटर की बाउंड्री रहेंगी। कभी ये ग्राउंड में 3-4 पिचेस हैं, ठीक है, तो जिस पिच पे मैच होगा उस हिसाब से एक साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी हो जाएगी, पर एक साइड 70 रहेंगे तो एक साइड आपको 65, 70, 68 मिलेंगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रहता है इस ग्राउंड का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच की। देखिए, ये ग्राउंड के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये ग्राउंड में 3 या 4 पिच है जो पूरी आईपीएल रनिंग रहेंगी। ठीक है, 4 पिचेस तो मान के चलिएगा, एक मैच एक पिच पे होगा, 2 मैच दूसरी पिच पे होंगे, तीसरी, क्योंकि ये ग्राउंड स्पेशल है चेन्नई के लिए। यूँ समझिए कि जैसा चेन्नई चाहेगी ये ग्राउंड वैसा ही खेलेगा। पिचेस की कहानी यूँ है कि कुछ पिचेस यहाँ की ऐसी है जो हल्की ग्रास के साथ हैं, समझो जो दो धारी तलवार है। एक पिच इस ग्राउंड की ऐसी है जो पाटा, एकदम ड्राई पिच बोलते जिसको, हार्ड ड्राई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको टॉस के टाइम ही देख के समझनी है कि आज कौन सी पिच के ऊपर मैच। अगर मैच ड्राई पिच, हार्ड पिच जो काली काली दिखेंगे आपको,
उसके ऊपर है, तो ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि टारगेट 170 प्लस जाएगा, आराम से जाएगा। और बाकी की दूसरी पिचेस में मैच है तो टारगेट 150 भी मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? कि बहुत से मेंबर्स क्या करते हैं कि ग्राउंड का डाटा निकाल लेते, चेक कर लेते कि हाई स्कोरिंग है या एवरेज। ये ग्राउंड में ये नहीं करना, ये ग्राउंड में आपको 170 हाई स्कोर देखने मिलेगा, यही ग्राउंड के ऊपर आपको 150 के अंडर भी देखने मिलेंगे। खाली पिच की कहानी, आपको खाली ये देखना कि कौन सी पिच पे मैच हो रहा। 3-4 टाइप की पिच है इसमें, मैंने बता दिया आपको। पहली पिच मिलेगी आपको पाटा, जिसको पाटा पिच बोलते हैं, कमेंट वाली बोलते हैं ना पाटा पिच, वो ड्राई हार्ड पिच होती है, लाइक इस तरीके जैसे आप रोड पर खेल रहे हो। और आप कभी भी रोड पर खेले हो तो आपको पता हो ना बॉल कैसे कैरी करती है एकदम अच्छे से। और यही ग्राउंड में दूसरी पिचेस ऐसी जो ग्रीन पिचेस भी हैं, जिन पे हल्की हल्की ग्रास भी है, वो दो धारी तलवार हैं, वो अपने स्किल के ऊपर है। स्लो पिच भी जो सेकंड इनिंग में स्लो हो जाएंगी, तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में बैठा लेनी है। और सबसे बढ़िया ये ग्राउंड में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो टारगेट जरूर देख लेना। हाई स्कोर को चेस करवाने नहीं जाना, लो स्कोर को डिफेंड करवाने नहीं जाना, सबसे सही तरीका यही है इस ग्राउंड में। सेफली अगर आपको कुछ भी प्ले करना है तो, बाकी कुछ खास स्पेशल है नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, जो भी मैं बात करता हूँ आपके ग्राउंड के आजू बाजू क्या, देखिए इस ग्राउंड के आजू बाजू मरीना बीच है, ठीक है। अब बीच का मतलब ये है कि ड्यू फैक्टर इतना मैटर नहीं करेगा जितना मैटर उस टाइम की हवा करती है। शाम के टाइम अगर आप कोई भी सी फेसेस जगह पे हो जहाँ पे समुंदर आपके नज़दीक है, और नज़दीक नहीं है तो आप कभी घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी समंदर, शाम के टाइम हवाएं बड़ी तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो जिस साइड, नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, कोई क्रिकेट वाली लैंग्वेज नहीं, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, जिस साइड से बॉलर बॉल फेंकेगा और अगर उस साइड से समंदर की हवा इस साइड आ रही है तो आपको पता है कि बॉलर को ऑटोमेटिकली मदद मिलेंगी, खास करके फास्टर को, और उस साइड में बैट्समैन को हिट करने में दिक्कत होगी। ये एक हवा का बहुत मेन रोल रहता है, जिसके क्वालिटी बॉलर रहते हैं ना वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, वो उस एंड से बॉलिंग करेंगे जहाँ से हवा का भी उनको सपोर्ट है। बाकी कंडीशन भी डिपेंड करता है चीज़ें कैसी होती है। तो वापस से रिपीट करते तो चीज़ समझिएगा, बेंगलुरु वाला स्टेडियम अपना आरसीबी वाला, ग्राउंड छोटा है, सबसे छोटा ग्राउंड है, पिच फ्लैट है, ठीक है, पिच फ्लैट है। और हमेशा जिसकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग होगी वो टीम यहाँ अच्छा खेल के देगी आपको। फर्स्ट बैट पर जो आएगी वो हमेशा प्रेशर में रहेगी, क्योंकि उसको अच्छा खासा टारगेट देना पड़ेगा। सेकेंड बैट यहाँ आराम से चेस कर लेता है स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं चेपुक वाले स्टेडियम, चेन्नई वाले स्टेडियम, ग्राउंड साइड एवरेज है। 3-4 टाइप की पिचेस है, सबसे खतरनाक पिच है ड्राई हार्ड वाली, वहाँ पे हाई टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी की दो पिचेस है वो इससे हमेशा उलट उलट खेलेंगी, वहाँ हाई टारगेट बनेगा नहीं, 150, 160 या 150 से अंडर का स्कोर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 3-4 टाइप की पिचेस है इस ग्राउंड में। जब भी मैच हो थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क होकर ही प्ले करना आपको, आप जो भी तरीके से प्ले करते हो या जो भी आपका तरीका है, हाई ओड्स के पीछे जाके चेस के चक्कर में नहीं जाना, लो ओड्स में डिफेंड के चक्कर में नहीं जाना, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा अगर आप रिसर्च और कर लोगे इस ग्राउंड को लेके, ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई सेमिलर वैसी चीज़ें मिलेंगी, बस घुमा फिरा के। तो ये मोटी मोटी चीज़ें भी अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपका काम आराम से बन जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ग्राउंड की एक चीज़ आपके दिमाग में, देखो फर्स्ट बैट सपोर्टेड ग्राउंड है ये, ठीक है, पर वो डिपेंड करता है कि कौन सी पिच के ऊपर मैच हो, क्योंकि टॉस जीत के, टॉस जिसके हाथ में टॉस होगी ना डिसीजन वो, और खास करके चेन्नई का मैच है और वो टॉस विन करके अगर कोई डिसीजन ले रहा, समझ रहे हो, अगर वो सेकंड बैट भी आ रहा तो मान के चलिए कि उसने पिच पता कर ली कि कैसी पिच है, क्योंकि जो ग्राउंड में खेलता है उनको ये सारी सी चीज़ें जो आपको साथ को डिस्कस करेगा नहीं। तो अगर खास करके चेन्नई का मैच अपने होम ग्राउंड में है और टॉस चेन्नई ने विन किया है तो वो फर्स्ट बैट पर आ रहा है, सेकेंड बैट पर आ रहा है, आधी से ज़्यादा मूवी यहीं क्लियर हो जाएंगी आपके लिए, थोड़ा सा नॉलेज अपना और लगा लोगे तो, ठीक है। और बाकी ये वीडियो में और कुछ नहीं, और बाकी अगले वीडियो में दो ग्राउंड और कवर करेंगे। और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, ठीक है, तो मुझे कमेंट में रिमाइंड करवा देना, टेलीग्राम पे रिमाइंड करवा देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। जहाँ हो जैसे हो आपकी मर्ज़ी, मुझसे जुड़ना हो तो आपकी मर्ज़ी, ठीक, चलो मिलते बाद में।